आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव जटपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1700 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती नूरजहां के हाथों में है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने गाँव में काफी विकास कराया है। अभी भी क्या क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के जटपुरा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को जो है पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास आपने अब तक गाँव में करवा दिया है? हमने स्कूलों की बाउंड्री कराई जी, हमने आंगनबाड़ी से मरवाए और शौचालय बनवाए हमने जी। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत? हाँ, ओडीएफ हो गई जी। और सीसी करवाई, इंटरलॉक कराए। आवास मिले हैं यहाँ? हमारे यहाँ आवास नहीं मिले एक भी ना। तो कुछ परिवार ऐसे, कितने हैं लगभग ऐसे परिवार होंगे जी? ऐसे परिवार हैं, सब 30-40 आदमी ऐसे हैं जो गरीब टाइप के आदमी हैं, उनके अभी मकान नहीं बन पाए जी। उनका सरकार की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गरीबों के लिए, क्या उनका लाभ आपके गांव में सभी को मिलता है? जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये सब? हाँ हाँ, मिलता है, मिलता है, सबको है। कनेक्शन भी है, पेंशन भी है, विधवा पेंशन, सबको मिलता है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? हाँ हाँ, 2000 रुपये के हिसाब से किस्त आ रही है। यहाँ सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई? हाँ, सब लाइटें लगवाई थी मैंने। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा इस ग्राम पंचायत में बारात घर है जी? नहीं, बारात घर नहीं है, ना पंचायत घर। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी नहीं है। अस्पताल? अस्पताल भी नहीं है सर। अस्पताल के लिए कितनी दूर है यहाँ से आपको जाना पड़ता है मरीजों को? मरीजों को कम से कम 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हमें सर एक तो पंचायत घर की जरूरत है जी, और हमें जो है अस्पताल की जरूरत है जी। लगभग कच्चा होगा? कच्चा तो करीब थोड़ा बहुत ही होगा, माना आरसीसी तो चिंग फलेंगे और बाकी रहे थोड़े बहुत आरसीसी हो जाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा हमारा गाँव जी। शमशान घाट, कब्रिस्तान ये हैं बने हुए जहाँ बाउंड्री वॉल वगैरह हो रखा है? ना ना ना, बाउंड्री वॉल नहीं है हमारा, ना ना बाउंड्री नहीं हुई हमारा, हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे? मोदी सरकार जो कार्य कर रही है हमारे देश में, नए नए जो योजनाएं चल रही हैं, ये कितने संतुष्ट हैं आप इस मोदी सरकार की जो है काम से? हमारा यहाँ तो करीब करीब 99% आदमी खुश है। मोदी सरकार अच्छा कार्य कर रही है? अच्छा कार्य चल रहा है मामला जी, और सभी कार्यकाल खुश है हमारे यहाँ, याद करते हैं सरकार को, सरकार सही चल रही है। जैसा कि आपने देखा यहाँ ग्राम प्रधान से हमने बातचीत की है, काफी विकास प्रधान जी द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे सीसी का इस्तेमाल किए, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो गया है, स्कूल में भी काफी सौंदर्यकरण करवाया है, आवास यहाँ लोगों को एक भी नहीं मिला है जिस, और लगभग 45 से 50 परिवार यहाँ ऐसे है जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ यदि समस्याओं की तरफ नजर करते हैं तो यहाँ की प्रमुख समस्या सामने आई है, प्रधान द्वारा यहाँ बारात घर और पंचायत घर को लेकर ये मांग रखते हैं। थोड़ा बहुत रास्ता यहाँ पर कच्चा है, जिसके लिए करंजे की भी ये मांग रखते हैं, और शमशान घाट कब्रिस्तान जिसके अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं हो रखी है, उसके लिए भी इन्होंने यहाँ कहा है कि सरकार यदि मदद करे तो ये उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह करवा देंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो है मोदी सरकार जो भी कार्य कर रही है, गाँव वाले काफी संतुष्ट हैं, लोगों को काफी लाभ उनकी योजनाओं का मिल रहा है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।